मेरे सानिध्य में, मेरा नाम तो जानते ही होंगे, पुलक भूषण सम्मान रविवार 6 अक्टूबर 2019 सूरत गुजरात में दिया जा रहा है। जिंदा शहीद माननीय मनिंदरजीत सिंह विट्टा, चेयरमैन आतंकवाद विरोधी मोर्चा। बहादुरी और भोलापन दोनों एक साथ जिसमें मुखरित होते हैं, वो भारत माता का सच्चा वीर बेटा जिसे स्वयं मां भारती बिट्टा कहकर पुकारती है, वही है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आपके सामने। अखंड भारत की पंजाब में जब देशद्रोही आतंकवादियों द्वारा खालिस्तान के रूप में खंड खंड करने का दुस्साहस किया जा रहा था, तब आतंक की साये में गोलियां और बम की आवाजें जिसके हौसले को और भी अधिक बुलंदियां प्रदान कर रहे थे, उस समय बिट्टा जी ने हर हमले का मुकाबला कर मौत से दो दो हाथ करते हुए जिंदा शहीदों में अपना नाम दर्ज कराया था। आतंकवाद विरोधी मोर्चा को अमली जामा पहनाकर राष्ट्रभक्ति की विजय कंठमाला जिन्होंने अपने गले में धारण की, धन्य है मां भारती के लाल को जिसमें संवेदना है, शौर्य भी है, मानवता है तो महानता भी है। विगत 18 वर्षों से पूर्ण शाकाहारी जीवन बिताते हुए जिन्होंने अहिंसा का अभिनंदन किया है एवं शहीद परिवारों को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, शहीद परिवार जिनकी विधवाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, उन्हें संबल प्रदान करने में बिट्टा जी का आगे हाथ रहता है। आप जैसे गरिमामय व्यक्तित्व को पुलक भूषण अवार्ड से सम्मानित कर पुलक मंच परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज आज गौरवान्वित है, आपका अभिनंदन करते हैं। अनेक शुभकामनाओं के साथ प्रदीप जी बड़ियात्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती मीना जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री सोहनलाल कलावत राष्ट्रीय महामंत्री, श्रीमती सोनम बिनायक्या राष्ट्रीय महामंत्री, वह आए और अपने हाथों से ये सम्मान पत्र उन्हें प्रदान करें। जोरदार करतल ध्वनिया आपकी होना चाहिए, गूंजते रहना चाहिए ये पंडाल। देखो फोटोग्राफी भी सही हो। साइड हो फोटो आना चाहिए ना। अब इनको मान्य अर्पण किया जाएगा दूरस्थ समाज से, चंद्रमा समिति के वरिष्ठ लोग माला लेकर के आए। नंदू जी आगे आए, चंद्रमा समिति आगे आए। देखिए ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है धर्मभक्ति, जिन्होंने सम्मान को मस्तक पे धारण कर लिया है। सम्मान नहीं, ये संतों का आशीर्वाद हुआ करता है। सोनम माला और लाल में अभी और माला ला। सारे जगत में
जिन दिन को भी पुलक भूषण अवार्ड मिलेगा यही उनका प्रतीक रहेगा, यही सम्मान रहेगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार ये मेरे से प्राप्त करें। आइए।